हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पर कर रही हूँ खिड़कियों की सफाई। जो ये धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी और हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, तो इसीलिए खिड़कियाँ वगैरह थोड़ी सी खुली थी। तो मैंने कहा चलो आज इसकी खिड़कियों की सफाई कर लेती हूँ आज सुबह सुबह ही, क्योंकि बच्चे तो घर में ही थे, संडे का दिन है। तो खिड़कियाँ आज मैं सारी साफ़ कर लेती, दोनों खिड़कियाँ, जो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। तो गाइस, ये मैंने सफाई करी है, जो कि ये खिड़कियाँ अभी लगी हुई है ना, तो इस इन सब में ना यहाँ पर सब मिट्टी वगैरह ये सब हो गई थी, तो ये पहले नहीं करी थी मैंने। तो यहाँ से सारा साफ कर देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा है। क्या पहना रही? चल पहना रही। हाँ हेलो, हो गई? ठीक है। अरे बेटा, ये सफाई कर रही हूँ यहाँ पे, ये पहले धूल मिट्टी थी ना, तो इसलिए। तो गाइस, ये सारी इकट्ठी मैंने इधर कर दी है। अब मैं दूसरी खिड़की की कर देती हूँ। अब मुझे करने इस वाली खिड़की। तो गाइस देखिए, शिवू मेरे साथ साथ ही काम करवा रही है, और इसको अभी मैंने डांटा भी था कि तू रहने दे, मैं अपना आप करूँगी, तो मानती नहीं है। लेकिन वो ये ना, बच्चा जैसे देखता है तो वैसे ही साथ के साथ करता है। तो ये मेरी मदद करवा रही थी, लेकिन मदद कम करवाती है, फैलाती ज़्यादा है क्योंकि मैं नीचे से करूँगी तो वो ऊपर से धूल मिट्टी मेरे सर पर डाल देती है। तो गाइस, और मैं इसमें जो धूल मिट्टी अभी जो नीचे गिराई थी मैंने खिड़कियों में से, इधर पीछे वाली में से, तो अब इसमें मैं लगा लेती हूँ झाड़ू साथ के साथ, नहीं तो फिर ज़्यादा फैल जाएगा, क्योंकि सारे खिड़कियों पे सारे में धूल मिट्टी हो ही रही है, और अभी और हो गई थी जो मैंने निकाला है। ये बहुत कूड़ा ये निकला था, ये रेता बजरपुर जो कहते हैं, ये सारा निकला था, और खिड़की में से सारा मतलब बाहर अच्छे से निकाल के फिर अपना मैं इसमें पन्नी में भर दूंगी। जब कूड़े वाला आएगा तो मैं इसको बाहर फिर फेंक दूंगी। तो गाइस, खिड़कियों की मैंने सफाई कर दी है, जो मसाला जो निकलता है ना इसमें से, वो सारा ये जमा हुआ था, और भी अच्छे से कर दिया है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ये, तो थोड़ा रह गया है किसी कारण से, मिस्त्रियों की वजह से वो अभी आ नहीं रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद करेंगे, तो इसीलिए छूट गया। रिपेयरिंग वगैरह जो है ये रह गई है, और इसमें जाली वगैरह रह गई है खिड़कियों में। ये देखिए, बीच में जो खाली खाली दिख रहा है इसमें जाली लगेगी, इन सब में भी लगेगी, जो लोहे की जाली होती है वो लगेगी इसमें। और ये जो मसाला था इसमें काफ़ी सारा भरा हुआ था, जो तोड़ते हैं इसको, तो वो सारा उठा के मैंने इस पन्नी में डाल दिया है, और इसकी भी कर दी है, जो फालतू फालतू था सारा छुड़ा दिया है। तो और आगे का काम करती है, अब मेरा रसोई का काम है, तो अब मैं अपनी रसोई का काम निपटा लेती हूँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? गाय से बात करनी है?
क्या हो गया? दोबारा बोलो, समझ में नहीं आएगा इसको। मम्मी तो गुन्नी बोलते ना, सुबह हो गई तो बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल रही है गाइस ये। तो चलिए हम तो अपना काम करते हैं, ये थोड़ी देर खेल लेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको नहला दुला के फिर अपना इसको सुला के जब काम करूँगी। तो गाइस ये थोड़े से कपड़े और रह गए थे तो कुर्सी पर रखे हुए थे, मैंने कहा अच्छे नहीं लगेंगे ऐसे, तो मैंने अब इनको मशीन में डाल रही धुलने के लिए और फिर जाऊँगी मैं रसोई में काम करने के लिए। जब तक बच्चे अपना बैग खाली कर रहे हैं, धोने के लिए निकाल रहे हैं, जब तक मैं अपना ये बर्तन वगैरह सारे सिंक में डाल देती हूँ तो इससे जल्दी जल्दी मेरा काम भी हो जाएगा। नाश्ते के बर्तन है खाली, तीन बच्चों के। तो गाइस साथ के साथ मेरी रसोई भी सफाई हो गई है रसोई की, और चूल्हे पे थोड़ा सा दूध गिर गया था तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया है लगे हाथ अच्छे से, और अब एकदम बिल्कुल क्लीन हो गई है रसोई। और अब फिर थोड़े से ये बर्तन रह गए हैं तो बर्तन मैं अभी धोऊंगी। तो गाइस रसोई को क्लीन करने के बाद मैं अभी इधर आ गई हूँ, मैंने कहा पहले चलो बैग जो है गलाने के लिए रख देती हूँ सर्फ के पानी में। सर्फ के पानी में जब मैं गला के रख दूँगी, और देखिए गाइस मौसम भी कुछ ऐसा ही हो गया है, और फिर भी मैंने कहा चलो तो गीले हो ही गए हैं तो इसको अच्छे से मतलब कि गला के मैं छोड़ ही देती हूँ, और फिर धुलने में आसानी भी हो जाएगी। हितेश क्रिस ये दोनों भाइयों के ही थे ये बैग, तो फिर इसको गलाने के बाद फिर मैं अपना दोबारा से रसोई में पहुंच जाऊंगी, क्योंकि एक डेढ़ घंटा ही गलने के लिए से मैं छोड़ दूंगी। तो गाइस मैंने इनके बैग वगैरह सरफ के पानी में भिगो के डाल दिए, अच्छा नहीं करवा ली, तो अब मैं धो लेती हूँ बर्तन वगैरह जाके बस। और गाइस सुबह सुबह थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है कि सिवन ने मेरे पीछे पीछे लगी रहती है कभी ये कभी वो, तो इसीलिए थोड़ा रसोई का काम करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। सुबह से ही लगी थी मैं काम करने में, और बस अब जल्दी जल्दी मैं इसको काम को निपटा लूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है क्योंकि बार बार ना सिवन ने ही आ जाती है क्योंकि उसके काम फिर करना पड़ता है जल्दी, ना सुनो तो चिल्लाने लगती है फिर। गाइस धुल गए इनके बैग, और मौसम पहले तो देखो धूप थी और अब देखो कितना रात जैसा हो गया, बिल्कुल शाम जैसा, ये मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग के टाइम पे देखो अब मेरे बैग धुले ना, तो भगवान की कितनी मेहरबानी हुई, धूप गई सारी। तो गाइस अब ये सूखेंगे कैसे, अब पता चलेगा धूप होगी तो सूख जाएंगे, कल स्कूल जाएंगे बच्चे, नहीं तो फिर छुट्टी, ये ऐसा ही होता है अक्सर। हाँ तो गाइस हमारे घर में तो कुछ ना कुछ खराब होता ही रहता है, पंखा जो अभी लगाया था नया फिर उसमें पता नहीं क्या हुआ जो वो चल ही नहीं रहा, कल से ही नहीं चल रहा, कल से फिर बिना पंखे के थे हम लोग,
अब ये लगवा रहे हैं। अब वो पंखा ठीक करने वाला तो मिला नहीं कोई, तो अब घर में ही अब ये भैया को बुलाया तो कह रहे मैं कर दूंगा। अब देखते हैं ये करते नहीं करते, पता नहीं क्या हो जाता है। बार बार पंखा ना बंद करते हैं तो फिर वो चलता ही नहीं है, तो अब ये देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, क्या खराबी है उसमें। गाइस तो अब मैं बना रही हूँ शाही पनीर। इसमें मैंने डाला है साबुत मसाला, प्याज मिर्च हरे टमाटर, बस हरे टमाटर कह रही गाइस, लाल टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्च है ये खाली, और ये गरम मसाला वगैरह डाला है। तो इसमें फ्राई हो गई है पनीर, तो इसमें डाल देती हूँ इसको। तो गाइस देखिए दूध वगैरह डाल दिया है, सारी ग्रेवी इसमें डाल दी है, जो बची हुई थी जाल में वो भी उसमें दूध मिला के जो बाकी ग्रेवी सारी इसमें आ गई है। तो गाइस ये देखिए मेरी पनीर की सब्जी एकदम रेडी है और रोटी भी। तो गाइस लंच का टाइम हो चुका है, आप भी कर लीजिए लंच हम लोगों के साथ। तो शाही पनीर और रोटी बनाई है, बस आज चावल नहीं बनाए क्योंकि चावल डेली सही हो रहा है अभी आजकल, तो इसीलिए क्योंकि आजकल हितेश की फरमाइश ज़्यादा है क्योंकि उसे थोड़ी सी चोट लगी है, तो इसीलिए जो वो कहता है वही बना देती हूँ उसके लिए खाने के लिए। तो गाइज अब इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा वीडियो आप तक यहीं पहुँचता रहे। कमेंट वगैरह शेयर वगैरह ज़रूर करना गाइज, और प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ सके और वीडियो में अच्छी अच्छी ला सकूं आपके लिए। तो इसी के साथ करते हैं एंड, बाय बाय।